एक डांस पार्टी में होने वाला था कुछ ऐसा जिससे दहल उठेंगे सबके दिल। आखिर किन किन खूंखार लोगों से पड़ने वाला था अनिका का पाला, अनिका के किस मेहमान ने तोड़ दिए थे कई रईस जादों की औलादों के गुरूर, और अनिका के कजिन क्रिश को कौन दे रहा था धमकियां। जब अनिका ने क्रिश के पांव की ओर देखा तो क्रिश की चाल से ये साफ पता चल रहा था कि क्रिश के एड़ी में जोर की चोट लगी थी। जैसे ही क्रिश अनिका और श्वेता के पास आया, श्वेता ने क्रिश का हाथ पकड़ते हुए उसे सहारा दिया और उसके पैर की ओर देखकर पूछने लगी, क्या हुआ है क्रिश तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? ऐसे क्यों चल रहे हो? कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त जरा सा पाँव मुड़ गया, नथिंग टू वरी। जैसे ही क्रिश ने अपना सेंटेंस पूरा किया, पीछे से योगिता की आवाज आई, देयर इज सो मच टू वरी अबाउट, क्योंकि आज तुम्हें श्वेता का डांसिंग पार्टनर बनना था। कितना दिमाग लगाया था श्वेता ने ये प्लान करने के लिए। अगर कोई डांस पार्टनर ना मिले तो अपने भाई को ही पार्टनर बना लो, अब इस टूटे हुए पांव से तो तुम डांस कर नहीं पाओगे, तो अब बेचारी श्वेता का क्या होगा? अब श्वेता छोड़ भी दो ये जिद, तुम योगिता का मुकाबला नहीं कर सकती, अब हार मान भी लो, क्योंकि इस साल की डांसिंग क्वीन योगिता ही बनने वाली है। हार मानकर शर्म से बच जाओगी। किसने कहा कि श्वेता डांस नहीं करने वाली है? पार्टी में मौजूद भीड़ के बीच से एक लड़का बाहर आया और उसने क्रिश का कॉलर सबके सामने पकड़ लिया। तुम यहाँ डांस नहीं करोगे। क्रिश ने उस लड़के के दोनों हाथ पकड़कर जोर से अपना हाथ झटकते हुए अपने आप को उस लड़के की ग्रिप से छुड़ाया और कहा, राकेश ये मेरा पर्सनल मामला है, तुम दूर रहो मेरी पर्सनल लाइफ से। क्रिश के मुंह से ये सुनते ही राकेश ने क्रिश को फिर से पकड़कर एक टेबल पर धकेल दिया। क्रिश के टेबल पर गिरते ही टेबल टूटकर जमीन पर गिर गया। तुम उस कार रेस में तुम्हारे लिए हिस्सा नहीं ले रहे हो, तुम उस कार रेस में हिस्सा लोगे हमारे लिए, तुम्हें अपना कर्जा चुकाना है, याद है ना? क्रिश की हालत देखकर उसकी बड़ी बहन श्वेता ने क्रिश का हाथ पकड़कर अनिका से कहा, दीदी मैं आज डांस नहीं करूंगी, इट्स नॉट अ बिग इशू, मेरे पास डांस पार्टनर नहीं है तो मैं आज डांस नहीं करूंगी, सिंपल। कौन कहता है कि तुम्हारे पास डांस पार्टनर नहीं है? अनिका की बात सुनकर श्वेता हैरान हो गई। अनिका ने श्वेता के पास आकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए श्वेता से कहा, विल यू डांस विद मी? दीदी आप मेरे साथ? हाँ मैं तुम्हारे साथ डांस करूंगी। ठीक है, आई विल डांस विद यू। आसपास खड़े सारे लोग अनिका और श्वेता के इस डिसीजन से शॉक में चले गए थे। कुछ मन ही मन हंसने लगे थे तो कुछ ये बात कर अपना होश खो बैठे थे। योगिता ने देखा कि कोई कुछ बोल नहीं रहा है। ये डांस पार्टी का क्या मजाक बनाने वाले हो तुम लोग? श्वेता अगर तुम इतनी डेस्परेटली कोई पार्टनर ढूंढ रही हो तो मुझसे कहो, मैं तुम्हारी डांस पार्टनर ढूंढने में मदद करूंगी। इस तरह अपनी बहन के साथ डांस करके पार्टी का मजाक क्यों उड़ा रही हो? अपने ऊपर आती हुई कमेंट सुनकर अनिका नॉर्मल सिचुएशन में इन सारे कमेंट का करारा जवाब देती, मगर आज उसे ऐसा लग रहा था कि ऐसी बातों का जवाब शब्दों में देने से अच्छा होगा कि वो अपनी एक्शन के जरिए लोगों का मुंह बंद करे। योगिता राहुल को ले जाकर ठीक अनिका और श्वेता के बगल में डांस फ्लोर पर खड़ी हो गई। जब लोगों को पता चला कि ये एक वन ऑन वन कॉम्पिटिशन होने वाली थी, उनका उत्साह और बढ़ गया। कमरे में सीटी और तालियों की गूंज और ज्यादा बढ़ गई। डीजे से कहा गया कि म्यूजिक शुरू किया जाए। योगिता ने म्यूजिक बजते ही राहुल को अचानक ही झटके से अपने से दूर किया और घूमकर सीधे राहुल की बाहों में गिरी। डांस का ये पहला स्टेप देखकर क्राउड जैसे पागल हो गया। क्राउड और जोर से तालियां बजाने लगा और सीटियां भी मारने लगा। योगिता अपना एक हाथ उठाकर लोगों के अप्लॉज का स्वागत करने लगी, और जैसे ही वो क्राउड के सामने झुकी, उसे इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि दरअसल इस बार लोग जो सीटी और ताली बजा रहे थे वो तालियां उसके लिए नहीं थी। योगिता को इस बात से जैसे एक जोरदार झटका लगा। उसने तुरंत ही मुड़कर अपने बगल में डांस कर रहे अनिका और श्वेता की ओर देखा। दोनों लड़कियों ने अपने स्टाइल, अपने मूवमेंट और अपने ग्रेस की वजह से हॉल में मौजूद सारे लोगों की नजर अपनी ओर खींच ली थी। तभी अचानक क्राउड में से लोग हल्ला गुल्ला करते हुए डांस हॉल के मेन एंट्रेंस की तरफ दौड़ने लगे। आगे खड़ी एक लड़की ने अपनी दोस्त से पूछा कि पीछे क्या चल रहा था। तभी उसकी दोस्त ने उसका हाथ पकड़ा और उससे कहा, अरे तुम पागल हो जाओगी अगर तुम्हें पता चलेगा तो, हमारे डांस फ्लोर पर श्रेया अय्यर आ रही है। ये सुनते ही राहुल का हाथ छोड़कर योगिता मेन एंट्रेंस की ओर देखने लगी और अपना ड्रेस ठीक करते हुए वो मेन एंट्रेंस की ओर जाने लगी। राहुल ने उसका रास्ता रोककर कांपती हुई आवाज में योगिता से कहा, योगिता प्लीज मुझे भी उनके पास ले चलो, तुम तो जानती हो मैं उनका कितना बड़ा फैन हूँ। देखो वहाँ एंट्रेंस के पास जितनी भी भीड़ है ना,
वहाँ वो सारे लड़के लड़कियाँ बहुत ऊंचे खानदान के बच्चे हैं, जो श्रेया अय्यर की एक झलक देखने के लिए देखो कैसे हल्ला मचा रहे हैं। इन सब बड़ी बड़ी हस्तियों के बीच में तुम क्या करोगे? जिस भी लड़के या लड़की को डांस में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट हो, वो श्रेया अय्यर से मिलने के लिए बेचैन हो रहा होगा। ये बात बहुत स्वाभाविक थी, और श्वेता का डांस के लिए पैशन देखकर इतना तो अनिका समझ गई थी कि श्वेता श्रेया अय्यर को कितना मानती होगी। श्रेया अय्यर जैसे ही दरवाजे से दाखिल हुई, सारे लोगों ने उसे घेर लिया। कोई उसके पास ऑटोग्राफ लेना चाहता था, तो कोई उसके साथ सेल्फी खिंचवाना चाहता था। हेलो श्रेया जी, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं योगिता हूँ, योगिता रायचंद। हाँ रायचंद, तुम रायचंद जी की बेटी हो, योगिता रायचंद। जैसे ही श्रेया हॉल के अंदर चलकर जाने लगी, एंट्रेंस के पास मौजूद सारे लोग योगिता को देखकर उसकी तारीफों के पुल बांधने लगे, और आसपास खड़े लोग इस बात से काफी हैरान थे कि इतनी बड़ी स्टार श्रेया अय्यर योगिता को नाम से जानती थी। योगिता भी बड़े ही एटीट्यूड से मुस्कुराकर अपने एक हाथ से अपने बालों को संवारने लगी। योगिता अपनी बाहें फैलाए श्रेया का इंतजार कर रही थी कि कब श्रेया आकर उसे हक करे, मगर योगिता के हाथ हवा में जैसे झूलने लगे थे। अब उसने देखा कि श्रेया उसे हक करने नहीं आई थी, बल्कि वो अनिका को हक करने के लिए आगे बढ़ रही थी। अनिका को देखकर श्रेया के पांव जमीन पर नहीं रुक रहे थे, वो उछल उछल कर अनिका के साथ बातें कर रही थी। श्रेया ने अनिका से कहा, तुम जानती नहीं मैंने तुम्हें कितना मिस किया है, आज तो तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। अब शांत हो जाओ, हमारे पास सारा दिन पड़ा है बातें करने के लिए, अपनी एक्साइटमेंट थोड़ी सी बचा कर रखो, मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहती हूँ, ये मेरी कजन है श्वेता। जैसे ही अनिका के मुंह से ये सुना, श्रेया ने श्वेता को हक करते हुए कहा, अगर ये तुम्हारी सिस्टर है, इसका ये मतलब है कि ये मेरी भी सिस्टर है, जरा इसे देखो तो, कितनी खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल तुम्हारी बहन जैसी। बाहर नीचे कार पार्किंग में अनिका धीरे धीरे श्रेया और श्वेता के पीछे चल रही थी। श्रेया श्वेता के साथ तरह तरह की बातें कर रही थी। अनिका आज पूरे दिन के तमाशे से पूरी तरह थक चुकी थी। वो श्रेया और श्वेता की बातें सुनते हुए मुस्कुराकर उनके पीछे पीछे चल रही थी। थकावट की वजह से अनिका की स्पीड श्रेया और श्वेता की स्पीड से काफी कम थी। श्रेया और श्वेता अपनी बातों में अनिका से काफी आगे निकल गए थे। पार्किंग एरिया में 10 से 12 गाड़ियां खड़ी थीं, और इस वक्त पूरे पार्किंग लॉट में इन तीनों लड़कियों के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। जब अनिका को इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि वो श्रेया और श्वेता से काफी पीछे रह गई है, तो उसने अपनी स्पीड बढ़ाकर चलना शुरू कर दिया। लेकिन जब वो फिर से श्वेता और श्रेया के नजदीक पहुंचने की कोशिश करने लगी, अचानक ही पास खड़ी गाड़ी के पास से कोई दौड़कर अनिका की ओर आया और पीछे से अनिका को पकड़कर उसे घुमा दिया। अभी अनिका अपने बचाव के लिए शोर मचाए, उससे पहले उस आदमी ने अनिका के मुंह पर हाथ रखकर अनिका की आवाज को दबा दिया। किसने किडनैप कर लिया था अनिका को और क्या थे उसके इरादे? अतीत से भयंकर साए क्या लौट आए हैं अनिका की जिंदगी में? क्या घर परिवार इज्जत और यहाँ तक कि अपनी जान से भी हाथ धो बैठेगी अनिका? कुणाल, गौतम, मनीषा या फिर कामिनी, आखिर कौन था इस साजिश के पीछे? लुका छुपी के इस खेल में क्या एक हो पाएंगे अनिका और रोहित? और क्या अपनी खोई हुई औलाद से कभी मिल पाएगी अनिका? ये था YouTube पर एक लड़की को देखा तो का आखिरी एपिसोड। आगे के एपिसोड सुनिए सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करिए पॉकेट FM ऐप और सुनिए आगे की कहानी।